करना है अपने दोस्त के साथ प्रैंक जो आया हुआ है मेरे पीछे बैठा है, उसके साथ एक बहुत ही भयंकर वाला होने वाला है प्रैंक। भाई उसको कुछ भी पता नहीं है कि बाइक में हुआ क्या है। देखा मैंने कहा था ना उसको। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू डेविल व्लॉग्स। आज अपने साथ हो चुके हैं बहुत सारे कांड। भाई निकले थे हम लोग हैंड गार्ड लगवाने, लेकिन घर से गाड़ी निकालते ही मैंने देखा भाई मिरर ही चोरी। मैंने बस गाड़ी बाहर खड़ी क्या कर दी एक दिन के लिए, साइड मिरर चोरी। इस साइड का है भाई, इस साइड का मिरर एकदम, वैसे मेरा पहले से थोड़ा टूटा हुआ था, लूज था, एक स्क्रू उसका गिर चुका था भाई, चोरी कर लिया किसी ने। बताओ, चलते हैं, इसको भी निकलवा देंगे, इसको भी निकलवा देंगे और हैंड गार्ड लगवा लेंगे अपना। तो गाइज हम लोग आए थे सर्किट हाउस, हैंड गार्ड तो अंकल के पास आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई हम लोग के साथ कि भैया वो है थोड़ा दूसरा क्वालिटी पे, मतलब जो एकदम अच्छी वाली क्वालिटी है। और भाई मैंने 300 अंकल के पास जमा कर दिए थे और 300 अपने पास थे, लेकिन हुआ ये कि अंकल कह रहे हैं कि और हम लोग को, मतलब वो पूरा हम लोग को 650 रुपये और देना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास भाई पूरे पैसे तो थे नहीं कि हम अभी तुरंत लगवाएं, तो मैंने कहा अंकल कल आते हैं, कल लगा दीजिएगा, मिरर निकलवा दीजिए। तो भाई मिरर निकालना इतना आसान था मुझे पता ही नहीं था, यहाँ से घुमा के निकल जाता है। मुझे लगा ये पूरा खोलना पड़ेगा मुझे, जिस वजह से मैं मिरर घर पर नहीं निकालने का ट्राई किया। और हैंड गार्ड मैंने बोला एक साइड का निकाल दीजिए अच्छा रहेगा, तो अंकल कहें कल आएंगे लगवाने तभी निकलवा लीजिएगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलते हैं हम लोग, रेती कुछ काम है थोड़ा सा वो करते हैं, फिर मुझे करना है अपने दोस्त के साथ प्रैंक जो आया हुआ है मेरे पीछे बैठा है, उसके साथ एक बहुत ही भयंकर वाला होने वाला है प्रैंक। तो अब रेडी रहिए आप लोग, उसको बाइक के बारे में कुछ पता है नहीं, उससे करेंगे हम लोग चल के हाईवे साइड पे प्रैंक। वहाँ शोरूम से कल लगेगा या परसों लगेगा, जब भी लगे पहले उसको निकाल के हटाते हैं बाइक में से, अपने एक हाथ में है एक हाथ में नहीं, गंदा लग रहा है। मिरर तो निकलवा ही दिया, थोड़ा इधर भी दिखा दो, इतने भी गंदे नहीं है, कर सकते हो अरे कर दो। तो आसान बहुत है क्या? कुछ नहीं भाई, इतना ही आसान बहुत है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी से थोड़ा दूर इसको लेके, मेरे दोस्त को जो पीछे बैठा हुआ है मिराज, और इसके साथ करने वाले हैं हम लोग बहुत ही तगड़ा वाला प्रैंक। तो लेके इसको चलते हैं, प्रैंक इसके साथ होने वाला इसको कुछ पता ही नहीं है, और सिटी में करेंगे यार। तो जैसे दिक्कत ये होगा ना, क्या चलो यहीं कहीं बनवा लेते हैं, वहाँ से आएंगे कैसे, इसकी तबीयत भी ख़राब है, बहुत ही भयानक वाला इसके साथ प्रैंक होने वाला है आज। फाइनली भाई लोग आ चुके हैं हाईवे के हम लोग साइड में एकदम, और अब करते हैं हम लोग भाई के साथ प्रैंक, उसको कुछ भी पता नहीं है उसके साथ क्या होने वाला है, बहुत ही तगड़ा उसके साथ प्रैंक होने वाला है भाई। तो गाइस अभी उसको कुछ भी पता नहीं है, जब यहाँ से लोग निकलेंगे तब उसके साथ होगा तगड़ा वाला प्रैंक। मैं अब आप लोग को बता देता हूँ प्रैंक क्या होगा, जैसे कि उसको बाइक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा बाइक पर उसको बैठा दूँगा, खुद भी मतलब बैठ जाऊँगा चलने के लिए, और स्टैंड नीचे रहेगा, दबाऊँगा सेल्फ, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी सेंसर की वजह से, तो उसको कुछ पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको भाई पता ही नहीं है कि क्या होता है कैसे होता है भाई। फिर उसको उससे कम से कम पूरा वहाँ तक ढकलवाएंगे, उसके बाद बताएंगे भाई कि क्या हमने किया था उसके साथ प्रैंक। और भाई आप लोग बताओ गाड़ी का लुक कैसा लग रहा है, हैंड गार्ड भी निकल गया, मिरर भी निकल गया, गाड़ी बहुत छोटी सी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी लग रही है, एकदम छोटू सी प्यारी सी। तो भाई इसके साथ प्रैंक करने का टाइम आ गया है, करते हैं भाई के साथ प्रैंक, यहाँ आगे एकदम हाईवे पे ही करेंगे यहीं से। अब इससे सीख नहीं पाओगे, चला जाए, लेट ज्यादा हो रही ना। हाईवे की ले लो, हाँ तभी रहेगी, हाँ सही कह रहे हो, इसको कुछ पता नहीं उसके। वाह भाई, नहीं 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 ऐसे लो ऐसे, अच्छा हाँ सही है, सेफ चला जाए, मेंशन कर देंगे तुमको। अबे ये नहीं,
चलो चलें, चला जाए। डेंजर लाइट जल रही, पर इंजन लाइट जल गई भाई, इंजन में दिक्कत। अबे ये क्या हो गया, अबे फंस जाएंगे भाई हम लोग ऐसे तो। हाँ तो ऐसे फंस जाया जाएगा अभी, इधर क्या किया जाएगा। समझ रहे हो घर कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर घर है भाई, 12 किलोमीटर। अरे यार इतनी बड़ी गाड़ी ढकेलना आसान है। बैठो बैठो। नहीं ऐसे हम बस्ती भी गए थे ना, ओवरहीट हो गई थी तो नहीं स्टार्ट हो रही थी, हम लोग फट गए थे। ओवरहीट नहीं भाई, ओवरहीट जब ये इसके ऊपर आ जाता है तब होता है। अब टेम्परेचर नॉर्मल है यार, अभी इसके ऊपर आ रहा है तब ओवर हीट होता है, उतरो ढकेल नहीं पड़ेगा। चेक इंजन लाइट आ गई, ये लाइट जल गई, ये जल गई, ये जल गई। चेक इंजन लाइट, इंजन में प्रॉब्लम, ये डेंजर का लाइट है, ये तो एबीएस का है नॉर्मल। हाँ गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई यार, यार। बैठो, लास्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हो नहीं बैठो, हो गई फिर बंद नहीं करेंगे ना, हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर। निराश क्या किया जाए, चलो थोड़ो ढकेलो तुम, हम तो तक बता दें क्या हुआ है, पकड़ो। हाँ रुको ढकेलो वे साइकिल से, ढकेलते उसे ढकेलो। तो गाइस देख सकते हो बाइक में पता नहीं क्या हो गया है भाई, उसको कुछ भी पता नहीं है कि बाइक में हुआ क्या है। देखा मैंने कहा था ना उसको बाइक के बारे में नॉलेज ही नहीं उसको, बाइक अभी हमसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था सीखना है, तो यार पूरा मतलब मैंने प्रैंक उसके साथ सक्सेसफुल हो गया। अब देखते हैं प्रैंक सक्सेसफुल हुआ है अपना, भाई ढकेल तो रहा है तगड़े में भाई पूरा, मतलब क्या ही कर सकते हैं, उसके साथ प्रैंक करना ज़रूरी था। अभी ढकलवाते हैं इससे थोड़ा दूर तक, फिर उसके बाद देखते हैं। सुनो थोड़ा दूर तुम ढकेलो, थोड़ा दूर हम ढकेल देते हैं। हाँ हाँ नहीं भाई स्टार्ट ही नहीं हो रही, आगे बनता है। शुक्रिया शुक्रिया, आओ आगे गांव है वहीं, चलो आओ ये सब बंद करो आओ। तो कैसा लग रहा भाई आपको, क्या हुआ मेरे साथ, अबे नहीं बताओ क्या हुआ, कैसा लग रहा, ढकेल तुम रहे हो, तुम बताओ तुमको कैसा लग रहा। तो गाइस पता नहीं क्या हुआ है, भाई एकदम बंद हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, कैसा फील हो रहा रियल अपना वो बताओ। पैसा है, हो गई के तुम बोल दिया, अगर बोल देते ना तो मेरी वीडियो खराब हो जाती, तुम समझ गए थे मिराज। अबे भाई बुरा मत मान यार, गुस्सा हो रहे हो, कोई बात कहो। अरे यार सॉरी भाई, तुमको इतना तकलीफ देना है। हाँ
अच्छा लाओ दो, चलो चला जाए घर, लाओ हम ढकेल दे रहे हैं। लो बैटरी हो गई, चल बैठ। तो कैसा लगा आपके साथ यहाँ पे प्रैंक हो गया? उतरो उतरो, थोड़ा अपना रिएक्शन बताओ, कैसा लगा प्रैंक हुआ? कैसा लगा? अरे बताओ बे। गाइस गाली बकरा है, देखो स्टैंड लगा रहेगा, बैठो। हाँ अब वो देख लिया तो बोलने उसको इशारा कर दिए। चले बाबू भाई साहब, इसके साथ हो गया बहुत ही गंदा वाला प्रैंक भाई। आधा किलोमीटर से गाड़ी ढकलवाए हैं, कैसा लगा आधा किलोमीटर ढकेल के भाई? मजा आ गया भाई। मजा आया भाई। तो भी आप लोगों चलते हैं घर पे, मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अंधेरा हुआ, कुछ नजर नहीं आ रहा है।